खीर। हाँ तुम घर जाओ और मैं थोड़ी देर में गाय लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है राजे, ठीक है मैं जाती हूँ। भाई जान गजब हो गया। हीर ने सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने रांझे के साथ नाजायज ताल्लुक करके सारे शहर में बदनामी करा दी। इसलिए भाई साहब मेरा कहा मानो, हीर की जल्दी से जल्दी शादी करके इज्जत बचाओ, वरना फिर पछताओगे। आपको पता है कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। जंगलों में ठोकर खाती जाती राजे यार संग, करती है रंगरेलियां रोज उस मक्कार संग। फक्कड़, तुम होश में तो हो? अरे खुदा के लिए सोचो, हीर अपनी बेटी है, उसके बारे में आप ऐसी गंदी बात करते हो? अरे आपकी जवान क्यों नहीं कट जाती? मेरी बेटी हीर महलों से कभी बाहर जाती ही नहीं है। मैं देखता हूं मेरी हीर महल के अंदर अपनी सखियों के साथ खेलती है। अरे तू तो चुगलखोर है रे, मैं जानता हूं तेरी आदत को, क्योंकि तू मेरा भाई है। चुगली करना पेट भरना बस तेरा ये काम है, और खाम खां दुख्तर को मेरी कर रहा बदनाम है। क्या चला जा यहां से। भाई जान, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ही रोज बेलों में जाकर रंगरेलियां मनाती है, मैंने आंखों से देखा है। इसलिए मेरा कहा मानो, उस नमक हराम को यहां से खदेड़ दो और हीर की शादी कर दो। अगर ऐसा न करोगे तो फिर पछताओगे। मैं चलता हूं। खामोश, इससे पहले कि मैं तेरा सर काट के चिनावे दरिया में फेंक दूं, चला जा यहां से। अरे कमीने, तुझे शर्म नहीं आई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मेरी बेटी हीर ऐसी नहीं है, खुदा के लिए ऐसा मत सोच। अरे जमाना कितना भी चांद की तरफ रेत उछालता रहे, लेकिन वो रेत कभी इस चांद के पास नहीं पहुंचता है। चला जा मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, अन्यथा मैं तुझे आज मार डालूंगा। ठीक है भाई साहब, ये आपको बताना मेरा फर्ज था, अब इस पर अमल करना आपका काम है। मैं चल करके मल की भाभी को और बता दूं, करना आपका काम है, मैं महलों को चलता हूँ। मलकी भाभी। क्या बात है फक्कड़, बोलो। देखो, मैंने भाई को बहुत समझाया, और मैं अब तुम्हें भी बता दूं कि अपनी हीर की शादी जल्दी से कर दो। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो हीर हाथों से निकल जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी हीर के बारे में? हाँ भाभी, मैंने उसको स्वयं आंखों से देखा है। तुमने उसे आंखों से देखा है? हाँ भाभी, देख मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। सुनाओ। कि मान कहना घर की इज्जत अब तो तेरे हाथ है। कहना था सो कह दिया, आगे तुझे अख्तियार है।
देखो भाभी, जमाना बहुत गलत है, नारी नारी बड़ा विचित्र कहानी है, ये एक समाज ये एक घर की लाज है। इसलिए मैं तुझे बताता हूँ कि नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, अरे ढके तो कुल की लाज ढके, वरना नंगी की नंगी है। इसलिए मेरी बात पर अमल करना और मैं भाभी चलता हूँ। मलकी बहन, अरे ओ मलकी बहन, क्या बात है बहन, इतनी जल्दी क्यों आई? बहन तेरी लाडली तो बड़ा ही गजब ढा रही है। बहन क्या गजब ढा रही है मेरी लाडली, तुम उल्टा सीधा बोले जा रही है। सुनो बहन, वो रांझे के साथ यारी करके कुंवारी ही उड़ जाएगी। और सुनो बहन, हमारी लड़कियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बहन तुम जाओ, आज मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। अम्मी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी बात सुन अम्मी। अरे मर गई तेरी अम्मी, आज तमाम औरतों की तारीफ सुन सुनकर मेरा दिल तार तार हो गया। अरे तूने तो अपने बालक के नाम पर पट्टा लगा दिया, मैंने कई बार तुझे बरजा लेकिन तू पास नहीं आई। अरे मस्जिद के बहाने जंगलों की ठोकर खाती है तू, तू जंगलों की ठोकर खाती है। नहीं नहीं मेरी प्यारी अम्मी, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ बेगुनाह को गुनाह लगाकर ये दुनिया वाले जुल्म ढा रहे हैं। अम्मी मेरा यकीन करो, अम्मी यकीन करो। मैं तेरा यकीन क्यों करूं, इस दुनिया ने ऐसे ही तेरे को बदनाम कर दिया। क्या तू उसके साथ कुछ ऐसा नाजायज संबंध नहीं किया जिसे जमाना जमाना तेरे बालिक के नाम पर बट्टा लगा रहा है? एक बात कान खोल कर सुन, जब तक तेरी शादी ना हो जाए घर से बाहर कदम मत रखना। नहीं जाऊंगी, तुम्हारी हुक्म की तावील रहूंगी माँ। ए अम्मी, तुम रांझे के साथ मेरी शादी कर दो। अम्मी मेरे रांझे के साथ शादी कर दो। खामोश, इस जवानी में दीवानी लड़की, कुछ तो होश कर। अरे तेरा भाई पटमल सुन लेगा तो तेरा ये सर है ना, उसे काट कर चिनियाब दरियाओं में फेंक देगा। बस बस माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, आज से ये कभी महलों से कभी बाहर नहीं जाएगी, और उस कमीन को मैं अभी कारागृह में डालता हूँ। चलो सिपाहियों। कमीन, तूने तो दलील खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तेरे लिए खड़क में कोई जगह नहीं, कारागृह में है, तुझे वहीं रहना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। दिल मत देना परदेसी को, लौट के फिर ना आए, खेलेंगे वो एक पल तुम संग, दूरी कहीं बस जाए। हो
दिन तो कटेगा इंतजारों में, शाम तो डसने को आएगी। चांद रुला पाओ जे तुम उनको दिल से लाखी भुलाए हो। याद में उनकी पछताओगे, तुमको बहुत सताएंगी। मूरख जैसे इस दुनिया में वो अपसाने बन जाएंगे, तब तन्हा आहट बन के तुमको खूब रुलाए हो। पटमल भैया, पटमल भैया, कारागृह में डालने से पहले मुझे एक बार मेरी हीर से तो मुझे मिला दो। मिलाऊंगा, मैं अवश्य मिलाऊंगा, हीर से नहीं बल्कि कोड़े से। तुम लोग खरे खरे क्या इसका मुंह देख रहे हो? बांधो इसे खंबे से और उड़ा दो इस चमड़ी इस कमीने की। क्यों रे हीर के दीवाने, हीर से मिलेगा ले मिल, ले मिल। अच्छा मिलेगा हीर, अरे मिलेगा अभी तो हीर के पास। अरे ये कमीने, अभी तू हीर को नहीं भूल रहा है। अरे कमीने तुझको छोड़ूंगा नहीं, ले ले। आहीर और मारो इस कमीने को। आहीर कमीने, तुझे जिंदा रहना है तो हीर का नाम भूल जाओ, तेरा सर काट डालूंगा। कमीने हीर कहना छोड़ दे। अरे पटमल भाई, ये तो बेहोश हो गया। अरे इस कमीने को मैंने इतना मारा है, बेहोश हो गया है। कोई बात नहीं, जब इसे होश आ जाए तो फिर मारना, तब तक ये हीर का नाम न ले। ठीक है बादशाह सलामत।
या अल्लाह, ये मेरे रांझे को क्या कर दिया, कितनी बेरहमी से मारा है। रांझे, मेरे प्यारे रांझे, आंखें खोलो रांझे, आंखें खोलो, नहीं तो मैं यहीं पर सर पटक पटक के मर जाऊंगी। रांझे, आंखें खोलो रांझे, आंखें खोलो, मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। ए रांझे, या अल्लाह, या परवरदिगार, ये क्या किया। हीर को पकड़ के अंदर ले जाओ और इस नालायक को कारागृह में डाल दो। चल उठ रांझे की दीवानी, तूने मुझे छोड़ दो। तूने बड़ी बड़ी रंगरेलियां मनाई है ना इसके संग, अरे अब तू महलों की ठोकरें खाएगी दीवानों की। तुझको लाख समझाया लेकिन तू बाज नहीं आई। चल हट जा इस महल के अंदर और खा दीवानों की ठोकरें। आहिल, आजा हीर, तू एक बार आजा हीर, मैं तेरा दीवाना हूँ हीर। आह अल्लाह, अब तो चलिया एक बार हो, अब तो चलिया एक बार, आजा मैं तो तड़पता तेरे प्यार में, अब तो चलिया एक बार, दीवाना मैं तो हुआ हूँ तेरे प्यार में, अब तो चलिया एक बार।
अब तो चलिया एक बार आजा, मैं तो तड़पता तेरी याद में, अब तो चलिया एक बार। दीवाना मैं तो हुआ हूँ तेरे प्यार में, अब तो चलिया एक बार, अब तो चलिया एक बार, अब तो चलिया एक बार। हीर, देख तेरे प्यार में मेरी ये क्या दशा हो गई, और तेरे भाई ने देख मेरे साथ में ये क्या किया। दारे पनी से अब मेरा दाना पानी उठ चुका, गुलशने दुनिया से मेरा आसियाना उठ चुका। हे राजे ठहर, जरा ठहर, हम सब तेरी सच्चाई से खुश होकर तुझे अपनी परामात अता फरमाते हैं। खुदा के हुक्म से तुझे आगाह करना चाहते हैं। सुन राजे सुन, तेरे लिए हुक्म इलाही है, और सुन, हमें तेरी हीर से तुझे मिलवाएंगे, पहले हुक्म इलाही सुन। आज से राजा नहीं है, आज से राजा नहीं है, बल्कि राजा पीर है। हीर का दिल तू है राजे, और राजे का दिल हीर है। इलाही इलाही लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, इलाही इलाही इलल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी हीर, खुदा के फजलो करम से बिटिया बहुत दिमागदार हो बेटी हीर, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। अम्ल करना तेरा फर्ज है बेटी, इश्क करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे इश्क में तो बड़े बड़े आशिकों ने ठोकरें खाई हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं बिटिया, मेरी बात मान और तू इश्क करना छोड़ दे। अरे इश्क कोई आसान काम नहीं है बेटी हीर, मेरी बात को मान ले बिटिया, मेरी बात को मान ले। सुन इश्क में क्या होता है मुझे पूछ, मैं बुड्ढा वैसे ही नहीं हो गया बिटिया। अरे जान ली सीरी की एक महबूब की याद ने जान दे दी हंसते हंसते सीरी पर फरियाद ने। मर गई सोहनी बिचारी डूब कर दरियाब में, रह गया महवाल भी सोनी की खातिर चाव में। हे बेटी हीर, मेरी बात को मान ले बिटिया मान ले, ये मेरा कहना था, अब अमल करना तेरा फर्ज है। क्या काजी साहब आप भी इस बात को कह रहे हो, लाख भी तूफान आए मुँह ना कभी मोड़ूंगी मैं, जान रहते रहते अपने रांझे को ना छोड़ूंगी मैं। हे काजी साहब, मैं अपने रांझे को नहीं भूल सकती, नहीं भूल पाऊंगी मैं। ठीक है अब हम तो चलते हैं।
काजी साहब, तुम भी इस बात को कहते हो कि मैं अपने राजे को भूल जाऊं। मैं जीते जी अपने राजे को भुला नहीं पाऊंगी, भुला नहीं पाऊंगी। काजी भांसे चली दियो रे रब मेराई, ए दीदाता मेराई जाने। इत पीरों ने रे हाय कला दिखाई, मेराई ऐसी दादा मेराई जाने। बाए रांझे से रे हाय दयो तो मिलाई, जालिमों ने तुम्हारा। निकालो इन्हें। मेरे खुदाया पाक, हमारी मोहब्बत को बुरी नजर से बचाना। इस प्रकार से हीर रांझे से रोज मिलती है तो हीर रांझे के पास में आ जाती है तो रांझा हीर से बोला, हीर हीर उठो उठो तो सही, मैंने गलत ख्वाब देखा है। क्या हुआ रांझे, क्या हुआ? हुआ ये है कि मेरी माँ को कल्लन लल्लन गुलाम ने कैद कर लिया है और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं वहाँ जाऊँगा हीर, मैं रुकूंगा नहीं हीर। हे रांझे, तुम तो इस तरीके से घड़बड़ा रहे हो, घबराने से क्या फायदा, ये कभी सच हुआ करते हैं सपने क्या? नहीं हीर, मेरे पीर पैगंबर कभी मुझे गलत सपना नहीं दे सकते और मैं वहाँ जाऊँगा। हे रांझे, जब तुम वहाँ चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? हीर, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी कि जब तक मैं आपको देख नहीं लेता था तब तक मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता था। हे रांझे, जा रहे हो? हाँ मैं जाऊंगा हीर। सुनो, जाते हो रांझे, सुनो जाते हो रांझे, सुनो मुकुन जइयो भूल के, मोसी अभागिन हीर को दर्शन दिखइयो आई के। जाता हूँ हीरे तो सुनो, जल्दी से आऊं लौट कर,
मुझको प्यारी हीर तुम जइयो नया से छोड़ कर। नहीं रांझे, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो रांझे, ओ रांझे प्यारे, वो तेरे बिन सुना है संसार, उमड़ के देख जरा एक बार, तेरी धीरे रही को बुलाकर हीर का निकाह करके जल्दी विदा कर दो।
अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अम्मी, तुम मेरे राजे के साथ ही मुझे भेज देती। अम्मी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं कन्नू प्रधान के साथ नहीं जाऊंगी। अम्मी, नहीं जाऊंगी। बेटा, मैं क्या करूं? हालात ही कुछ ऐसे है, इसलिए मुझे उसके साथ तेरी शादी करनी पड़ी। बेटा, मैं क्या करूं? बेटा, ऐसा काम कुछ मत करना कि तेरे वालिद के नाम पर ऐसा कलंक लग जाए। नहीं बेटा, अब तू जा बेटा, तू जा मेरी प्यारी। बेटा, स्याले की तरफ आ रहा है। कैसे? अरे वहां से राजा चल दियो रे रब मेराई, ए दीदा मेराई जाने, जंग से आले की रे सीधा लगाई। जाता है और कुछ लोगों से पूछता है, भाई मेरी हीर कहाँ है? तो कहने लगे हैं, अरे तेरी हीर को तो कन्नू बादशाह निकाह करके ले गया। अरे थोड़ी दूर पहुंचा है, जा जल्दी जा। अरे वहां से राजा भगती ओरे रब मेराई, दादा मेराई जाने, रोबत जाए रो रे बयाद सताई। हाँ तो देखिए सुनने वालों और देखने वालों, आज दोनों प्रेमी किस प्रकार से मिलकर के बिछुड़ रहे हैं। अरे इतने हीर देखो रोई रही रे रब मेराई, अजदाता मेराई जाने, बाए रांधे की रे हयात सताई। और इधर राजा हीर के ब्रह में रोता हुआ भागता जा रहा है।
कहारो, थोड़ा ठहरो, यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लेंगे और पानी पी लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे, इसलिए पालकी को नीचे रख दो। अरे ये तो मेरे रांझे से मिलने का अच्छा अवसर है, ये तो सभी लोग चले गए, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। हीर तुम धराओ, मैं धरूं। हीर हीर तुम आ गई, चलो जल्दी भाग चले, और नहीं तो कोई हमें तुम्हें पकड़ लेगा। चलो हे धरती माँ, अपनी गोद में हमें भी जगह दे दे। हे धरती माँ, हे धरती माँ, तू हम दोनों को गोदी में जगह दे दे। हे खुदा, हे परवरदिगार, या अल्लाह, या अल्लाह। ए हुस्ने आला, क्या है इश्क? अब कहो कौन जीता और कौन हारा? अरे मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहती थी, कौन जीता और कौन हारा? देख लिया ना, अरे हुस्न के बिना इश्क का कोई भी महत्व तो नहीं रह जाता। अरे इश्क के बिना हुस्न का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों ही बराबर हैं। मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम दोनों बराबर हैं। ठीक है तो चलो चलते हैं।